हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कस्टमर के अग्रीमेंट में जितना भी इनवॉइस इशू हुआ है और पेमेंट हुआ है और डाउन पेमेंट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, हम एक रिपोर्ट में कैसे उसको देखें, स्याप में एक रिपोर्ट में कैसे देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कस्टमर लाइन आइटम, कस्टमर डाटा लाइन आइटम के अग्रीमेंट में जो भी डाटा देखना चाहते हैं, उसके लिए एक टी कोड है FBL5N। यहाँ से आप टी कोड मार के भी जा सकते हैं, नहीं तो पाथ है उसके लिए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल डॉक्यूमेंट, सॉरी अकाउंट, अकाउंट के FBL5N डिस्प्ले चेंज लाइन आइटम। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले पे आ जाएंगे। आपको जो भी डाटा देखना है, ओपन आइटम देखना है, जो इनवॉइस हुआ है पेमेंट नहीं हुआ है, या क्लियर आइटम देखना है जो पेमेंट होके क्लियर हो गया है, या इनवॉइस पेमेंट, और आपको सब डाटा देखना है, इसके लिए ऑल आइटम सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कंपनी कोड, मेरा A1 है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसके लिए कस्टमर अकाउंट आपको देना पड़ेगा। कस्टमर अकाउंट आप यहाँ पर सर्च में सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लैपटॉप के F4 बटन मार के भी जा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी कोड डालेंगे और एंटर करेंगे या सर्च स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके एग्नेस्ट में जितना भी आपका कंपनी कोड के एग्नेस्ट में जितना भी कस्टमर आप बनाए होंगे वो सब दिखेगा। ये मेरा डेमो सर्वर है, इसलिए मैं एक ही कस्टमर बनाया हूँ। कस्टमर का नेम है बालको, डबल क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, देखिए जैसे कि मेरा 3 ओपन आइटम है, 29-8 को बना था एक, 31-8 को और 11-9 को एक बना था, और इतना मेरा क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ये DZ मतलब आपका पेमेंट टाइप होता है, ये है आपका पोस्टिंग की, DZ मतलब आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, DR मतलब आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट हो गया, DA मतलब आपका रीसेट हुआ है या आपका वो जो वैल्यू रिवर्स हुआ है, ऐसे ही आप दे सकते हैं। और आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपका एक्सेल में। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे तो स्प्रेडशीट में जाएंगे तो आपको एक्सेल में